नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ लघु भारत का भी एक रूप है। कुछ लोग दिल्ली को देश का दिल भी मानते हैं, क्योंकि देश की धड़कन अगर पहचाननी है, जनता का मूड अगर भांपना है, तो बस दिल्ली को देख लो। इसीलिए जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो जो तस्वीर पूरे देश भर में उभर कर आती है, लगभग वही दिल्ली की भी होती है। 1977 में इमरजेंसी के बाद जब कांग्रेस विरोधी लहर थी, तो दिल्ली में सातों सीटें जनता पार्टी को मिली। उसके बाद जब 1980 में चुनाव हुए, तो कांग्रेस के पक्ष में हवा थी, इसलिए कांग्रेस को सातों सीटें मिल गई। 2014 के चुनाव में पूरे देश भर में मोदी लहर थी, तो दिल्ली की जनता ने सातों सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए 17वीं लोकसभा के, उसमें फिर दोबारा से, क्योंकि देश में मोदी लहर थी, तो सातों सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मिली। लेकिन इस बार क्योंकि आंधी थी, पूरे देश भर में लहर बहुत ज़ोर से थी, तो इस बार सातों सीटों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 46% से बढ़कर 56% हो गया। इन्हीं सब चुनावों का विश्लेषण करेंगे आज के प्लस माइनस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, जो इन चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में थे। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बार के चुनाव के एक विश्लेषण पर नज़र डालते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम से एक बार फिर साबित हो गया है कि दिल्ली देश की राजनीति का थर्मामीटर है। जिस पार्टी ने भी दिल्ली में अपना परचम लहराया है, उसी पार्टी को देश की जनता ने लाल किले पर तिरंगा फहराने का मौका दिया है। दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर दोबारा कब्जा जमाने के बाद बीजेपी का जोश चरम पर है, और वो इस जोश को विधानसभा चुनाव तक बनाए रखने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी के वोट बैंक में 10% का इजाफा इस बात का संकेत है कि जनता का मूड बीजेपी के 22 वर्षों के राजनीतिक वनवास को खत्म करने का है। चुनाव परिणाम के विश्लेषण से यह भी साफ है कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के साथ है, न कि लगभग 5 साल से दिल्ली पर शासन कर रही है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से। परिणामों में दिल्ली की 70 में से 65 विधानसभा सीटों में बीजेपी को विजयी बढ़त हासिल हुई है। जिन 5 सीटों पर बीजेपी पीछे दिखी, वो मुस्लिम बहुल है। और यदि यही ट्रेंड रहा, तो अगले साल के शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की रणनीति और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी की मेहनत से दिल्ली की जनता में बीजेपी के प्रति एक पॉजिटिव लहर पैदा की है। और यदि ये लहर विधानसभा चुनाव तक कायम रही, तो पार्टी का नारा कि देश में मोदी और दिल्ली में बीजेपी को सच होने से कोई नहीं रोक सकता। आज प्लस माइनस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से मिलवा रहे हैं साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता। मनोज जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। दिल्ली की सातों सीटें आपने जीती और जोरदार तरीके से जीती। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राकेश भाई साहब, आपने पहले भी चुनाव के पहले भी प्लस माइनस में हमें बुलाया था, और प्लस माइनस के सभी दर्शकों को भी मैं मनोज तिवारी प्रणाम करता हूँ। मनोज जी, इस जीत का सेहरा आप किसके सिर पर बांधना चाहेंगे, मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर, या आपकी रणनीति पर? इस चुनाव में आपने खास तौर से स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश भर में भी दौरा किया, कई जगह आप जहाँ जहाँ आप गए वहाँ पर विजय हासिल की, उस सब पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस जीत का श्रेय आप किसे देंगे? देखिए, 2019 का जो रिजल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस महाविजय का महानायक नरेंद्र मोदी जी हैं। और सिर्फ उनके नाम से नहीं, काम से जनता ने आशीर्वाद दिया है। जनता का जितना भी हम लोग सत वंदन करते हैं, जनता जैसे जागरूक हुई है, जैसे जाति पाति की दीवारें गिरी हैं, जैसे विकासवाद का रथ चला है, राष्ट्रवाद पे जिस पर विश्वास हुआ है, तो इसके लिए
जनता जनार्दन का शत शत अभिनंदन है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की योजनाएं, नरेंद्र मोदी जी की किए हुए काम को किस योजना से जमीन तक ले जाना है, मैं समझता हूं कि अमित शाह जी का ये प्लानिंग कमाल की थी और जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है वो सब देव दुर्लभ कार्यकर्ता, सबको इस समय हम जनता को प्रणाम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं। मनोज जी, अगर हम दिल्ली के चुनावों का विश्लेषण करें नतीजों का, तो आप 7 सीटें जीते, 46% पिछली बारी वोट मिले थे, इस बार 56% बढ़ गए, मतलब कितने बड़ा जंप मिला है। लेकिन आपने 65 विधानसभा क्षेत्रों में लीड लिया, अगर हम उसको MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से एनालाइज करें, तो जो 5 जगह आप पीछे रहे वो सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दिल्ली में मुस्लिम समाज ने BJP को नकार दिया? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। 70 विधानसभाएं हैं और हम लोग 7 लोकसभा जो जीते हैं उसका अगर विधानसभा वार आप गणना करिए तो सिर्फ 5 विधानसभा में हम हारे हैं, बाकी 65 विधानसभाएं हम लोग जीते हैं। लेकिन ये कहना कि हमको मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिला, ये सही नहीं है। कई ऐसे बूथ हैं, क्योंकि इसके लिए बूथ पे जाना पड़ेगा ना, तो कई ऐसे बूथ हैं जो कि मुस्लिम बहुल ही हैं और वहाँ भी हम जीते हैं। तो ये जो एक छल किया गया था विपक्षी दलों द्वारा कि मुस्लिम को BJP से नहीं सटने देना है, ये इस बार टूटा है। ठीक है, हम 5 विधानसभा भी वही हारे हैं, विधानसभा वार अगर देखा जाए तो जहाँ मुस्लिम बहुलता है, लेकिन मुस्लिम बहुल तो 7 सीटें हैं ना दिल्ली की, जिस पे मुस्लिम समाज जिसको चाहेगा वही जीत सकता है, तो हम 2 कैसे जीत गए? तो इसलिए हम इस पे नहीं हैं। और शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब नेता चुने गए वो प्रधानमंत्री के लिए सब सांसदों के द्वारा, NDA के द्वारा, तो उन्होंने पहली बार क्या कहा कि अब हमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है। तो हम इससे बिल्कुल निगेटिव नहीं हैं। हाँ, अभी भी एक बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई बहन हम लोगों से दूर हैं, लेकिन अब उन्होंने सोचना तो शुरू कर दिया है। इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि हम अपने अच्छे कार्यों से, अच्छी योजनाओं से, बिना किसी की पूर्वाग्रह के जो हमने काम किया है उससे ये धर्म, जाति धर्म की दीवारें, जाति की दीवारें तो गिरी ही हैं, धर्म की भी बहुत गिरी हैं, रिलीजन की, लेकिन भविष्य में हम इनका बहुत सपोर्ट मिलेगा ऐसा हमें विश्वास है। कुछ अब मिला है, कुछ कल मिलेगा, जहाँ नहीं खिला वहाँ भी कमल खिलेगा। बहुत सुंदर। मनोज जी, आपको लगता है कि अभी 1 साल से भी कम समय रह गया विधानसभा चुनाव का, आपको लगता है कि इसी तरह के नतीजे आप देखते हैं कि अगले साल जो चुनाव होंगे विधानसभा के, ऐसे ही देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेगा भैया, मेरा ये विश्वास है। मुझे नवंबर में 3 साल हो जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, और मैं जब से प्रदेश अध्यक्ष बना, मैंने प्रदेश अध्यक्ष बनने के 15 दिन बाद ही हमने अपने एक स्लम बस्ती में प्रवास किया, पूरी रात रहे, उन्हीं के यहाँ खाना खाए, उन्हीं के टॉयलेट यूज़ किए, टॉयलेट नहीं था तो दूर गए, टॉयलेट की दुर्दशा थी तो उसको भी देखा हमने। धीरे धीरे हम 20 प्रवास ऐसे किए जो झुग्गियों में, अनऑथराइज कॉलोनियों में, गाँव में, दिल्ली के कुछ डेवलप्ड कॉलोनियों में भी गए, और हमने सबकी समस्याओं को समझ करके जो जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया है पॉजिटिविटी के साथ, उसमें लोगों को अब ये विश्वास हो गया है कि दिल्ली की दुर्दशा का कारण लगभग 20 वर्षों से दिल्ली में भाजपा का नहीं होना है, और पिछला 5 साल तो आपके समक्ष है ना। अरविंद केजरीवाल जब से आए, जो कांग्रेस के 15 साल के शासन से जो दुर्दशा थी
पानी नहीं मिलता था, टैंकर माफिया फल फूल रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने खुद कितने आरोप लगाए, उन्होंने नई नई बातें की और लोग दिल्ली के लोग उनसे आशा पाल लिए। लेकिन आज 53 महीने बाद क्या स्थिति है, सब कोई पछता रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रही है दिल्ली। तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि हमारा ये 20-21 साल का वनवास टूटेगा और इस बार देश में मोदी, दिल्ली में भाजपा, तभी बनेगी बात और दिल्ली चलेगी मोदी के साथ, ये मेरा विश्वास है। मनोज जी, आप मोदी जी के भी और अमित शाह जी के भी बहुत करीबी, उनके बड़े चहेते हैं। आपकी लीडरशिप में दिल्ली ने तीनों MCD के चुनाव भी जीते, इस बार सातों लोकसभा की सीटें भी जीते। दिल्ली से डॉक्टर हर्षवर्धन को मोदी जी ने अपनी टीम में लिया, कैबिनेट में लिया जी। आपके लिए शायद उनके दिमाग में कुछ और बड़ी पिक्चर है, दिल्ली की जिम्मेवारी आपको देने वाले हैं। अब तो हम आप कल्पना ही कर सकते हैं कि वो कैसी पिक्चर है। लेकिन देखिए, हमारा एक लक्ष्य है, उसमें एक लक्ष्य तो पूरा हो गया। हम चाहते थे जिस दिन राजनीति में आए कि कम से कम 10 साल ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चले, वो मेरा सपना पूरा हो गया है। अब अगला जो 5 साल होगा, इस देश की राजनीति में, शासन में एक ऐसा, अभी जितना आया है उससे भी बढ़ के बोल रहा हूँ, एक ऐसा माहौल ला देगा कि दूसरी पार्टियों को वोट मांगने आने में लज्जा आएगी गलियों में। और एक छोटा सा लक्ष्य हमारा बचा, हमें भी सुन सुन करके दुख होता है कि हम 21 साल से बीजेपी दिल्ली सरकार में नहीं है, और जो लोग आए भ्रष्ट लोग आए, किसी ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया, कोई आया तो एकदम हवाला कारोबार में लिप्त हो गया, कोई आता है तो जमीन घोटाले में लिप्त हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों से दिल्ली बचेगी कैसे। उस दिल्ली को 1-5 साल का समय लेकर के जब बीजेपी दिल्ली में आ जाएगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, दोनों एक साथ होना चाहिए, दिल्ली देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे और दिल्ली बीजेपी के हवाले रहे, उस 5 साल में ये दिल्ली अपने सर्वश्रेष्ठ वैभव को पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है भाई साहब। हम ऐसा मान सकते हैं कि एक नेचुरल कैंडिडेट के रूप में आप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का फेस रहेंगे आने वाले चुनाव में। ये हमारे लिए मायने ही नहीं रखता है। हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं राकेश जी, उसमें हमारे मन में ये आता ही नहीं है। जब कोई पूछता है ना, तो मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे तो पार्टी को दिल्ली की 21 साल के वनवास को हटा करके वापस लाना है, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जहाँ तक मुख्यमंत्री का बात रहा, तो ये हम और हमारे साथी भी तय नहीं कर सकते। ये तय या तो हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो करेगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व करेंगे, तो उसमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यही एक मुद्दा है जो कि हमें बांटता है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमारा मूल उद्देश्य है दिल्ली में बीजेपी की सरकार, और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व कहेंगे हम उसी को, नरेंद्र मोदी पे विश्वास है तो उनका एक इशारा, उनकी सूचना आएगी, हमारा सोचना बंद हो जाएगा। मनोज जी, ये तो थी बातचीत दिल्ली के चुनाव को लेकर के। आप एक स्टार प्रचारक के रूप में आपने पूरे देश भर में भ्रमण किया और आपने जगह जगह जा कर के सरकार की उपलब्धियों को भी लोगों को गिनाया, और आपने स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में भ्रमण किया, और आपका एक गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ, बच्चों बच्चों की जबान पर था, खूब चल रहा था। एक बार पहले उस गाने से शुरुआत करेंगे, फिर बात करेंगे आपसे देश भर के बारे में। गाने तो बहुत सारे बने थे, लेकिन एक ऐसा गीत था जो मैं अचानक, जो हमारा दिल्ली में पूरे भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकारिणी परिषद हुई थी, महासम्मेलन हुआ था 15,000 लोगों का, तो मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने ये लाइन गाई थी मैं स्वागत भाषण में, कि भारत के गौरव का हो रहा मुहूर्त है, 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है, मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है,
नियत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। सीमा पे आंख उठाए अब किसकी जरूरत है, 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है। इस देश का सबसे गर्व, आप कोई खूब लड़के क्लबों में डांस कर रहे हो, ये कर रहे हो, रोमांटिक गाने चल रहे हो, लेकिन आप एक बार गाना बजा दीजिए कि अपनी आजादी को हम हर गिज मिटा सकते नहीं, वो नशे में भी होगा तो नशा टूट जाएगा। यस, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। उस देश में आप ये कहते हो कि हम देशद्रोहियों को सजा नहीं देंगे, उनका उनके देशद्रोह का कानून हटा देंगे, तो जैसे ही मैं कहता था कि 5 साल और हमें, तो जनता कहती थी मोदी की जरूरत। इसको विपक्ष के लोग समझ नहीं पाए, विपक्ष के लोगों ने नरेंद्र मोदी की पॉजिटिविटी को नहीं समझा, जनता ने समझा। तो मैं जब मैं पहली बार गाया था तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो उतनी योजनाओं में लगे रहते हैं, उनको उनकी मुस्कुराहट देखने के लिए हम लोग बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन मैं जब गाना गया तो वो ताली बजा के और खूब खुश थे, तो मुझे लगा कि इस देश के एक नवीन चाणक्य को, जो देश के वैभव को अमित शाह जी ले जा रहे हैं पराकाष्ठा पे, अगर उनके चेहरे पे मुस्कान आई, उनको बात अच्छी लगी, तो यह देश को लगेगी, और लगी भैया ना। और इस बार के चुनाव में खास तौर से जात पात का बंधन खत्म हो गया। यूपी और बिहार के अगर हम नतीजों को देखें तो लोगों ने कास्टिज्म से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दिया। मैंने इस बार चुनाव होने से पहले उत्तर प्रदेश में भोजपुरी में एक ट्वीट किया था कि पूर्वांचल के गली गली में मोदी मोदी गूंज रहल बा, जाति पात के गिरल देवलिया सब विकास के पूज रहल बा। जाति पात की दीवारें गिर गई, महामिलौटी गिरल बनौटी सब अपने में जूझ रहल बा, हर हर मोदी घर घर मोदी सबके फुलवे सूझ रहल बा। तो कमल का फूल, हमारे देश के गांव में जाइए ना तो कमल उमल नहीं कहते हैं, कहा भैया कहाँ उठ पड़ी फूल पर। तो ये सब आपको कैसे लगा, कि कैसे आभास हुआ कि हम इतनी सीटें ले लेंगे? देखिए हम ना, हम 100% पॉलिटिकल नहीं हैं, हम थोड़ा दिल से सोचना चाहते हैं और दिल से सुनना चाहते हैं। जो मेरी मरमरिंग आती है ना कानों में, जो लोगों का चेहरे का भाव है, तो आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उससे मुझे एहसास लग रहा था, मोदी गैस भिजवाओ तड़ाओ, टॉयलेट बनवाओ तड़ाओ, ऐसा लोग कहते थे। तो भैया ये टॉयलेट और गैस जो है ना, ये तो इज्जत से जुड़ी हुई चीज़ है। दुल्हन आई घर में, पता चला उसको शौचालय नहीं, बाहर जाना पड़ रहा है, रात का इंतजार करना पड़ रहा है, दिन भर उसको दबा के रखना पड़ रहा है, अपनी शौच शारीरिक प्रक्रिया वो रुक गई, और घर में गैस जिसके लिए लोग बिजली के लिए लोग जाते थे शहर में, कि शहर में जाएंगे तो गैस पे खाना बनाएंगे, धुआं नहीं लगेगा, गाँव में शुरू हो गया। तभी मैंने फील किया ये देश बदल रहा है। बलिया गए थे हम प्रधानमंत्री जी के साथ, और तब मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने गीत गाया था कि मोदी जी आपने करामात कर दी, रसोई में अच्छे दिन की शुरुआत कर दी। मैंने मंच से गाया था ना, 3 लाख आदमी थे, तो गांव के लोगों को अच्छा लगा, रसोई में अच्छा दिन आया, हमारे सीमा पर अच्छा दिन आया। पुलवामा की घटना के बाद आपने प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखा होगा, यहाँ ट्रेन का उद्घाटन था भाई साहब वंदे भारत का, और मुझे लगा कि वो कैंसिल हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने कैंसिल नहीं किया, आए भाषण दिए और कहा, पहली बार एक प्रधानमंत्री को कहते हुए सुना गया कि सेना को खुली छूट दे दी है। ये सब तो अंदर बंद कमरे में होता था, नहीं होता था, जो भी होता था, और उसके बाद जिस प्रकार से बदला लिया गया, ये देश सच्चों को और
मर्दों को, मतलब मर्दों मतलब उसको औरत मर्द में एक मुहावरा है हमारा कि जो लोग जो कहें वो करें, वो महिला हो वो पुरुष हो, उसको जो दिखाया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जिसको एक मर्दानगी कहते हैं ना। दिल्ली में आपका मुख्य रूप से मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि उनकी दिल्ली में विधानसभा में सीटें हैं, लेकिन इस बार के चुनाव का अगर हमने विश्लेषण किया तो वो जीरो पर थे, एक भी सीट पर वो अग्रणी नहीं रहे। आने वाले चुनाव के हिसाब से उन्होंने अपनी लोक लुभावन घोषणाएं शुरू कर दी, जैसे मेट्रो में महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवलिंग। आपको लगता है इस सबका चुनाव पर असर पड़ेगा? हाँ, पक्का पड़ेगा। देखिए, विश्वास टूट गया है जनता का आम आदमी पार्टी से इस समय। आजकल ना फ्रस्ट्रेशन में है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया अरविंद केजरीवाल जी का। और कोई भी आदमी जो अपने नियत जीवन में इतना निगेटिव होगा ना, तो उसका यही हश्र होगा भाई साहब। इस आदमी को ऐसा लगता है ना कि अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने में एफर्टलेस झूठ बोलते हैं, अनावश्यक झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को के लाश पे राजनीति करी है। वो तो कहते हैं कि हमने बिजली दी है, पानी दिया है, शिक्षा दिया है, हेल्थ दिया है, मेट्रो में ट्रेवलिंग फ्री दी है, इतने सारे वो वादे गिनवा देते हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल को दिया है, सत्येंद्र जैन को दिया है, मनीष सिसोदिया को दिया है, तोमर को दिया है, कैलाश गहलोत को दिया है, उन्हीं को दिया है जिनके घर से 150-150 करोड़ रुपया कैश पकड़े जा रहे हैं, जो हवाला कारोबार में लिप्त है, जमीन कब्जा कर रहा है। अरे भैया, हमारे हम तो उन्होंने कहा था पानी माफ बिजली हाफ, कहा था ना। पानी आज पूरे दिल्ली के किसी कॉलोनी में चले जाइए, आप अपना कैमरा भेजिए प्लस माइनस का, एक जगह भी कोई ऐसी नहीं होगी जहां पानी के लिए लोग चिल्ला नहीं रहे हो। गटर का पानी पीने को मजबूर है, गटर का मिक्स पानी पीने को मजबूर है, और बिजली का बिल 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा हो गया। फिक्स रेट लगा दिया, बिजली का रेट सेम रखा, ऊपर से फिक्स रेट हटा दिया। अभी जब चुनाव आया है तो फिर फिक्स रेट हटा रहे हैं। मैंने अभी आज ही उनको कहा है कि जितने लोगों से फिक्स रेट लिए हैं अरविंद केजरीवाल जी, सबका पैसा वापस करिए दिल्ली का। 500 नए स्कूल बनेंगे, क्यों नहीं बना? बसों में मार्शल लगेंगे, क्यों नहीं लगा? अरे बसें नहीं है। अब कह रहे हैं कि फ्री में बिठाएंगे, महिलाओं को बिठाएंगे। मैंने ताली बजाई, आइडिया इज वेरी गुड, लेकिन आपका रिकॉर्ड क्या कहता है? रिकॉर्ड कहता है कि आप झूठी घोषणाएं करते हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। ये आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है, ये आपकी बौखलाहट दिखा रही है। देखिए, आज मैं प्लस माइनस में आपको बता रहा हूँ, अगर अगले थोड़े समय में केजरीवाल जी अचानक कहेंगे ना, सबके घर के सामने एक बस खड़ी रहेगी, जब निकलिएगा बस में बैठिए, जहाँ कहिए घुमा के फिर आपको बस लाए। अरे यार, इस दिल्ली को ऐसे मत सताओ। पॉल्यूशन में दिल्ली नंबर वन, दुर्व्यवस्था अस्पतालों में नंबर वन। आप कहते हैं कि हमने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, हम आयुष्मान नहीं लागू करेंगे, सब बीमार थोड़ी है। वो कर लेगी, और नहीं भी करेंगे तो दिल्ली को पता है कि 6 महीना बाद क्या करना है। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एक ये डिमांड थी, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को उठाती रही हमेशा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये जितनी समस्याएं आपने गिनाई हैं दिल्ली की, इनका काफ़ी हद तक कारण ये भी है कि दिल्ली अपने आप में पूर्ण राज्य नहीं है। आपको नहीं लगता कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए? ये भैया बेसिर पैर की बातें हैं। पूर्ण राज्य दिल्ली नहीं है, इसलिए आप वाईफाई नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए आप सीसीटीवी नहीं लगा पा रहे हैं, आप नए स्कूल नहीं बना रहे हैं, पानी नहीं, तो कहाँ तक क्यों? आपने 70 वादे किए तो नीचे लिख देते कि कंडीशन है कि सब कुछ तभी होगा जब पूर्ण राज्य बन जाए। पूर्ण राज्य है, क्यों नहीं बन गए? हरियाणा में चुनाव लड़ो, बन जाओ। उत्तर प्रदेश में लड़ो, बन जाओ। अरे ये यूनियन टेरिटरी है, इसको प्रदेश का दर्जा दिया गया है कि संविधान के तहत आप लोगों का काम करो। अब आपको कहीं नहीं मिलेगा तो हम इसी को पूर्ण बना लेंगे। और सीएम बनने के बाद क्या किया अरविंद केजरीवाल ने?
रिपब्लिक डे परेड रोकने के लिए बैठ गए थे। अब आप बताइए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को बरगलाया जा सकता है। दिल्ली को पूर्ण राज्य की नहीं, दिल्ली को पूर्ण विकास की जरूरत है, और वो पूर्ण राज्य के बिना संभव है। सर, कुछ बातें याद करिए राकेश जी, प्लस माइनस में जो भी देख रहे हैं। 100 से ज्यादा हमारे दिल्ली के सफाई कर्मचारी सीवर में जाके मर गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 4 बार घोषणा कर दी, हम सेफ्टी किट लाएंगे, सेफ्टी किट लाएंगे, कुछ नहीं लाया। आज भी बच्चे हमारे सीवर में बिना सेफ्टी किट के घुसते हैं, मौत के मुंह में समा जाते हैं। इनको चिंता है। जब ठंड आती है हर साल 800 आदमी सड़क पे मर जाता है। सर, देश की राजधानी में आदमी ठंड से ठिठुर के मर जाए। सर, इनकी पूरा चरित्र चित्रण 4 लाइन में हो सकता है कि उखड़ा खूंटा फटा लंगोट, बड़ी जोर की लगी है चोट, दिल्ली एक बार बुरी फंस गई, अब ना मिलेगी आपको वोट, अब ना मिलेगी आपको वोट, चाहे कितना भी कर ले साजिश। बहुत बढ़िया मनोज जी। आने वाले चुनाव के लिए आपने भूमिका बहुत अच्छी तैयार कर ली है, और वाकई दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं, और उसका हल तभी हो पाएगा जब एक बहुत कर्मठ मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा। और पॉजिटिव, पॉजिटिव कर्मठ और पॉजिटिव, जिसको सकारात्मक बात करनी हो, उसको अगर किसी बात पे अच्छा लगा, उन्होंने किया ना कि बसें में महिलाएं फ्री बैठे, मैंने स्वागत किया, गुड आइडिया, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब इसमें हम अभी तो प्लस माइनस का समय कम है, जितना पैसा लगेगा। अभी जैसे आपको छोटी सी बात बता देते हैं, इन्होंने कल ऐड निकाला, ऐड में जो मेल आईडी दिया है वो सरकारी मेल आईडी नहीं है, वो प्राइवेट मेल आईडी है, जबकि सरकार को ये मैंडेटरी है कि आप जब भी कोई सरकारी काम के लिए मेल आईडी दोगे तो वो nic.com पे होगा, उसमें नहीं है। अब आप बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों का डाटा पाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं? इसलिए इस दिल्ली को ना पॉजिटिव व्यक्ति चाहिए। आप हमारे लाख शत्रु हों, हम शीला दीक्षित जी से लड़े, लेकिन लड़ने के बाद हम जाके उनसे मिल के आए। हमने बहुत अच्छा जेस्चर था आपका, जीतने के तुरंत बाद उनके पास। तो ये राजनीति में होना नहीं चाहिए सर। वी आर पॉलिटिकल एनिमीज, हम विचारों की हमारी लड़ाई हो सकती है, हम कोई पर्सनल शत्रु नहीं है। बट ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो माहौल बनाया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इतनी बड़ी विजय के बाद इतनी उदारता, और अरविंद केजरीवाल की इतनी बड़ी विजय के बाद 70 में 67 सीट, इतनी नकारात्मक निगेटिविटी, तो ये अरविंद केजरीवाल को समाप्त कर चुकी है। और कोई जितना ये उल्टा लटक जाएंगे ना, झूठ पे झूठ जो भी कर लें, अगर ये इधर कुछ कर भी दिए तो भी लोग यही पूछेंगे, भैया तुम जो कर ही सकते थे तो 5 साल क्यों नहीं किया। इट मीन्स कि अरविंद केजरीवाल निगेटिविटी की हद में है, और वर्तमान बीजेपी पॉजिटिविटी की हद में है, और इस पॉजिटिविटी पे हम दिल्ली में अपनी सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मनोज जी। दिल्ली के लोगों को केवल एक लोकसभा सदस्य के रूप में नहीं, वो आपको देखना चाहते हैं, वो आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएँ लिए हुए हैं, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपको दिल्ली को चलाने का, एक बहुत अच्छे ढंग से दिल्ली को विकास के पथ पर ले जाने का आपको एक मौका मिलेगा, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और आपको मैं भी बधाई देता हूँ, आप इतने अच्छे प्रखर पत्रकार के गुण हैं आप में, और प्लस माइनस पे आप धमाल कर रखे हैं। आपको और इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्लस माइनस में हमारे साथ थे मनोज तिवारी जी। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।